सो है स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि एक साल पहले मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैंने इस माउस का भी रिव्यू किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर इस माउस में कोई भी ख़राबी आती है तो मैं इसका फिर से रिव्यू जो है ज़रूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या ये आपको अब जो है माउस परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये रोबोट का माउस है, IVOMI प्रोडक्ट नेम है इसका और ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसे क्लीन करके यूज़ कर लिया जाए कि क्या ये अभी वर्क करता है या नहीं करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्लीन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी ऐसे कोई कपड़ा ले लेना है और उसके बाद आपको कोई सा भी एक ब्रश ले लेना है और आपको कुछ इस तरह से इसे जो है क्लीन करना है। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी माउस और कीबोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं और अब ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको इसमें एक ख़राबी बताता हूँ कि इसका जो ये वाला बटन आप देख रहे हैं स्क्रॉलिंग वाला, वो ख़राब हो जाता है काफ़ी एक दो महीने में ही। तो आप इस माउस को बिल्कुल भी परचेज ना करें। और देख सकते हैं ये 1.5 मीटर वायर के साथ आता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये इसकी RGB जो है अभी भी वर्क करती है या नहीं करती है। तो हाँ, इसकी RGB अभी भी वर्क कर रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो देख सकते हैं। लेकिन इसका जो स्क्रॉलिंग बटन है वो आपका जो है एक दो महीने में ही ख़राब हो जाएगा। मैंने जब पहला माउस यही वाला परचेज़ किया था तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आई, फिर मैंने इसे रिप्लेस कराया और दूसरे में भी यही प्रॉब्लम आई। तो आप IVOMI का माउस का कभी भी परचेज़ मत करना। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।